हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय के अंदर 2020 में जो परमानेंट वैकेंसी की बात कर रहे हैं, वो तो सत्य है ही है। बच्चे ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं। जैसे एग्जाम आएगा, आप लोगों को पहले तैयारी करने का उसका फायदा भी होगा। अब परमानेंट वैकेंसी से पहले केवीएस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर की वैकेंसी है, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मानेसर, नरेला और काफ़ी सारे अलग अलग स्कूल्स में वैकेंसी है, क्योंकि आमतौर पर सेशन शुरू होने से पहले वैकेंसी आती है। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चे बार बार पूछते हैं कि सैलरी क्या होगी, कितना हमें वेतन मिलेगा। उस चीज पर आज बात करेंगे कि केवीएस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट टीचर में जो सैलरी वाला जो स्केल होता है, या जो सैलरी होता है पर मंथ, वो क्या रहेगा। तो आइए मैं एक बार दिखा देता हूँ। नॉर्म्स फॉर पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर इन केवीएस। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के जो पेमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं केवीएस में, वो क्या होते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, द मंथली पेमेंट टुवार्ड्स द कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एंड द प्रो राट रेट पेमेंट टू द टीचर में बी रेगुलेटेड एज फॉलो। नीचे आधार जो दिया गया, इस आधार पर उनको ये सैलरी दी जाएगी। अब इसमें एक तरफ इन लोगों ने बताया डेजिग्नेशन क्या होगी, दूसरा इन्होंने बताया स्टेशन क्या रहेगा, और तीसरा आपका रहेगा कंसोलिडेटेड पे। तीनों आधार पर दिया गया है। अगर पीजीटी के ऑल सब्जेक्ट की बात करें, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, कॉमर्स, जितने भी आपके पीजीटी के सब्जेक्ट हैं, सभी के लिए इन लोगों ने रखा है। नॉर्मल स्टेशन के ऊपर आप हैं तो 27,500 रुपये मंथली है। हार्ड स्टेशन पर हैं तो आपको 32,500 रहेगा, और अगर वेरी हार्ड स्टेशन पर आप हैं तो 35,000 रहेगा। ये तो आप लोगों के लिए पीजीटी का है। अब बच्चे पूछेंगे, सर पीजीटी इंग्लिश का बताइए, पीजीटी मैथ का बताइए, पीजीटी ज्योग्राफी का बताइए, पोल साइंस का बताइए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। अगर सीधी सी बात आप देखेंगे तो सभी पीजीटी का सेम नॉर्म है। सेकंड नंबर पर आपके लिए टीजीटी, टीजीटी के ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, एसएसटी, मैथ, साइंस और बाकी जो मिसलेनियस हैं, सबके लिए आपके लिए यहाँ पर है। नॉर्मल स्टेशन पर अगर आप हैं तो आपका 26,250, हार्ड पर हैं तो 31,250, और वेरी हार्ड हैं तो 33,750, यानी 1,000, 1,200, 1,500 रुपये तक का अंतर ये पीजीटी और टीजीटी वालों के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर बात अगर करें आप लोग पीआरटी टीचर की, पीआरटी टीचर का जो अंतर रहेगा वो पीजीटी से तो काफी है, टीजीटी से भी अच्छा अंतर इसमें रखा गया है, लेकिन उसमें भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। नॉर्मल स्टेशन की बात करेंगे तो 21,250, हार्ड स्टेशन की बात करेंगे 26,250, और वेरी हार्ड पे अगर है तो 28,750। ये आपके लिए पीआरटी के लिए है। अब पीआरटी के बाद अगर बाकी पोस्ट में देखें, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो टीचिंग इन क्लास आपका थर्ड टू फिफ्थ में होगा, उसमें नॉर्मल के लिए 21,250, ये पीआरटी वाला इन लोगों को दिया गया है। हार्ड पे 26,250, वेरी हार्ड पे आपके लिए 28,750। उसके बाद है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर टीचिंग क्लास सिक्स ऑनवर्ड, सिक्स या उससे आगे, तो यहाँ पर आप लोगों को लगभग टीजीटी वाला दिया जाएगा, क्योंकि सिक्स से आगे अगर बात करेंगे तो टीजीटी वालों के साथ जाएंगे आप, और टीजीटी वालों के साथ जाएंगे तो सैलरी भी आपका उन्हीं अकॉर्डिंग होगा। 26,250, 31,250 और 33,750। उसके बाद बाकी पोस्टों में देखेंगे तो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर फॉर क्राफ्ट, डांस, मास, आर्ट, स्पोर्ट्स, ईटीसी के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ पर नॉर्मल पे 21,250, हार्ड पे 26,250 और वेरी हार्ड पे 28,750 आपके लिए यहाँ है। अगर स्पोकन टीचर की बात करेंगे तो स्पोकन टीचर के लिए बिल्कुल उससे थोड़ा नीचे का लेवल है, 18,750 नॉर्मल, 23,750 हार्ड स्टेशन, और वेरी हार्ड के लिए 26,250। अब आप ये चीज तो आप लोगों के लिए यहाँ पर सामान्य सी है। तो ज्यादातर बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें पता नहीं है, पता नहीं क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। सबसे जरूरी चीज दोस्तों ये होती है कि अगर आप केवीएस की तैयारी कर रही हैं, अगर आपका सपना है कि केवीएस को ज्वाइन करके हम सरकारी नौकरी लंबे समय तक करें, तो फिर उसके लिए फायदा ये है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर घर बैठ के तैयारी करेंगे तो पता नहीं ऐसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो अगर आप केवीएस जिस संस्थान में आपको परमानेंट जॉब करनी है, उसी संस्था में आपको गेस्ट टीचर के रूप में, कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्परेरी के रूप में अगर मौका मिलता है, तो वो आपके लिए गोल्डन चांस है।
वो इसलिए है क्योंकि वहां पर रह करके वहां के हालात, वहां के अच्छाइयाँ बुराइयाँ कमियाँ फायदे वो पता चलेगा, बच्चों के बीच में रहेंगे, अच्छा लगेगा, तैयारी अच्छी होगी, सिलेबस से जान पहचान होगी और आगे जाकर के आप लोगों को एग्जाम में उसका फायदा होगा। सीनियर लोग वहां पर होंगे, वो आपको गाइड करेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ये एक प्रकार से आप ये मान के चलिए कि 50% ज्वाइनिंग तो आपकी होगी परमानेंट जैसी। वो इसलिए है क्योंकि वहां पर रह के सारी चीजें आपको पता चलेगी। थोड़ी सी मेहनत अगर बढ़ा देंगे तो फिर परमानेंट भी आप लोग जल्दी ही सेलेक्ट हो जाएंगे। ये चीज आपके लिए जरूरी है। जितने भी केवीएस और डीएसएस भी अगला की सबकी बात करेंगे, बट मैं केवीएस की बात यहाँ कर रहा हूँ। केवीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी पोस्ट के लिए स्टडी मटेरियल हम बाई कोरियर भेजते हैं। पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल आपको जाता है। अगर आप लोग पूरे भारत में कहीं भी हैं, आप वहां पर अपने घर पर बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं और ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों को ये कॉरियर की सुविधा हम देते हैं, बाय कॉरियर, बाय स्पीड पोस्ट, पूरे भारत में हमारा स्टडी मटेरियल कॉरियर के माध्यम से जाता है। आप एड्रेस भेज करके या ऑर्डर करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। जिस दिन आप ऑर्डर करेंगे कॉरियर का स्लिप आपको मिल जाएगा। यू कैन ऑर्डर ट्रैक इन ऑर्डर ऑल्सो। तो ये आपके लिए फायदा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप लोग बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक।